प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुरेंद्र सिंह लाली साहब, जो कि एक सच्चे सिख और पक्के भारतीय हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बात करें भारत की, तो कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो भारत भी फेस कर रहा है। पाकिस्तान के पास तो खैर उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन आपने देखा कि कनाडा में किस तरह के प्रोटेस्ट हुआ करते हैं, किस तरह से खालिस्तान को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं, और कई चीजों में आपको लगता है कि भारत की गवर्नमेंट उन चीजों को मैनेज कर पा रही है, उनको हैंडल कर पा रही है, और कनाडा की गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों कर रही है? आरजू जी, मैंने इसमें शायद 200 प्रोग्राम किए हैं कि मैं टोटली खालिस्तान को अपोज करता हूं। अब वजह यह है कि इसमें भी इट इज ऑल जियोपॉलिटिकल। अब क्या है कि अब मैं कंट्रीज के नाम नहीं लूंगा और थोड़ा ढकी छुपी बातें करूंगा कि मेरी कमीज से तेरी कमीज सफेद कैसे है, सिर्फ एक ऐड आती थी। तो वहां भी लॉबीज है जो हिंदुस्तान को तरक्की करने से रोकना चाहती हैं। वहां भी कंट्रीज नहीं चाहती कि इंडिया को यूएन में सीट मिले, क्योंकि देखो आपके हमसाए भी जरूरी नहीं कि आप भी तरक्की से खुश हों। तो वो एक हिंदुस्तान को रोकने का तरीका है, और वो थोड़ा सा जो मेस था उसमें पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों का हाथ है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 84 में एक जेनोसाइड हुआ, सिखों को बुरे तरीके से मारा गया, जलाया गया, छत से पटका गया। अब उसकी जस्टिस अभी तक नहीं मिल पाई, और उसके करके बहुत से एलिमेंट जो इंडिया छोड़ के भागे थे वहां है, फिर वहां उनको कैनेडा और अमेरिका इस्तेमाल करता है इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करने में। क्योंकि अब जिस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें कोई, हम पंजाबी में कहते हैं कि घुसनमुक्की की लड़ाई नहीं होती है, प्रॉक्सीज की लड़ाई होती है। तो वो उन्हें करते हैं, और वहां पे आईएसआई और पाकिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट जो कि कैनेडा में है वो भी उनको फंड करते हैं। तो वो थोड़ा सा पेचीदा है। और इस चक्कर में मैं आपको एक बात बड़े दिल सीना ठोक के कहना चाहूंगा कि आप देखो कि हिंदुस्तान की फॉरेन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग निकली कि उन्होंने कनाडा से कहा कि हम नहीं नेगोशिएट करेंगे, अब जो भी हो, नो मींस नो। हमारा कनाडा के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल नीचे चला गया। वो जस्टिन ट्रूडो जो है, वो जो गुड लुकिंग सा मॉडल, उसको सियासत करनी नहीं आती। उसको उसके पिताजी ने भी यही किया था जब हमारा एयर इंडिया कनिष्ठ बॉम्बर गया था। उसने हमारे को सिर्फ हमारे से रिलेशन खराब करने में उसने कनाडा को डुबो दिया। क्योंकि आज एक बात को समझो आरजू जी, इंडिया से व्यापार नहीं करेंगे अब नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ का चैंपियन है। अगर आपने अपना दुनिया में कहीं माल बेचना है, अब टोटली व्यापारी की बात करते हैं, माल बेचना है तो चाइना के बाद, जो कि अभी क्लोज्ड इकोनॉमी है और चाइना भी अब थोड़ा सा परेशान है, और दुनिया में कहां है आप 140 करोड़ लोगों को अंडर वन डेमोक्रेटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना माल बेचने जा सकते, मुझे ये बताइए। तो इस चक्कर में कैनेडा और हमारे फॉरेन स्टूडेंट दुनिया भर में हर जगह फैले, मतलब वी स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि जितने पैसे के लिए शहबाज शरीफ साहब बाहर पहुंच जाते हैं कुछ स्कूल लेके, उतना तो हमारी कंट्रीज में एक कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज से दुगना चला जाता है। कि जब फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं और वो कंट्री मना करती है, तो कहते हैं छोड़ दो, कहीं और रुक कर लो। क्योंकि जो फॉरेन स्टूडेंट यहाँ से कनाडा भी जाता है, वहां जाता है, वो मकान लेता है, वो फीसें भरता है और फीसें भी ज्यादा भरते हैं। तो इससे आप देखेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग थी कि मोदी जी और जयशंकर साहब, उन्होंने बोला नो मींस नो, अगर आप इन एलिमेंट्स को नरिश करेंगे तो फिर हम आपसे भी गुफ्तगू नहीं करेंगे। और आज देख लीजिए रिलेशन साउथ चला गया है, पर हमारे माथे पे शिकन नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं कि पहले हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोग हैं, बाद में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन सर कंपैरिजन बनता नहीं है पाकिस्तान के साथ, इसलिए कि पाकिस्तान एक बहुत छोटी कंट्री है और जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है उतने तो आपके यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स हैं। तो आपके यहाँ अगर इकोनॉमी आपकी इस वक्त स्ट्रांग जा रही है, खैर उसके और रीजंस हैं, लेकिन अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं या आपके स्टूडेंट्स जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, पाकिस्तान में तो उस मुकाबले में कुछ नहीं है। लेकिन सर पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान में कुछ होता है तो बार बार भारत का नाम लिया जाता है, भारत में अगर खालिस्तान को लेकर अगर बात होती है बार बार पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भाई आप बलूचिस्तान के इशूज़ को पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और यहाँ के लोगों को खुद देखना चाहिए कि आखिर वो लोग क्यों परेशान है। आपको नहीं
लगता कि खालिस्तान की जब बार बार बात होती है तो सिख कम्युनिटी जो है उसको प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों खालिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हें क्या शिकायत है भारत की गवर्नमेंट से, उस तरफ गवर्नमेंट क्यों नहीं देखती? अर्जुन जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। एक बात रखे कि 1.4 बिलियन की जब आबादी रहेगी, जहां 1200 लैंग्वेजेस होंगी डायलेक्ट मिला के, वहां गिला शिकवा तो चलता रहेगा। पर अब ये है कि फिर उसको जब बाहर की ताकतें फायदा उठाती हैं तो फिर वो बात थोड़ी और ऊपर तक उठ जाती है। तो ये तो हर कंट्री में है, अमेरिका में नहीं है ब्लैक्स एंड व्हाइट्स की प्रॉब्लम, आपके अहमदियों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर के मुसलमानों में शिया सुन्नी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, एंटी सेमिटिज्म भी तो है ये उसमें एंटी जूश। तो देर इज नथिंग एज अ परफेक्ट सोसाइटी, बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी देर विल बी डिफरेंस इन ओपिनियन। बस ये है कि फिर कई दफा कुछ ताकतें होती हैं जो आपकी तरक्की से नहीं खुश होती है, तो फिर वो जो दरार होती है उस दरार के अंदर हाथ डाल के उसको पूरा फाड़ने की कोशिश करते हैं। सर मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि जब बलूचिस्तान में जो कुछ होता है तो आई फील के हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वहां के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, उनकी वो क्या कह रहे हैं, बजाय इसके हम ये कहें कि भारत वहां पे कुछ कर रहा है या भारत के लोग वहां पर कोई इंटरफेयर कर रहे हैं। तो यही चीज खालिस्तान के ऊपर भी आ जाती है कि जब लोग खालिस्तान के लिए बात करते हैं तो डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर या किसी के ऊपर भी नाम लेने से पहले हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उन लोगों से पूछती क्यों नहीं है कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ऐसा करने से सर मसला हल नहीं होगा, कि आप पाकिस्तान को कह दें या पाकिस्तान आपको कह दे, चीजें वही रहेंगी। उसी तरीके से प्रोटेस्ट भी चल रहे होते हैं और सारा कुछ हो रहा होता है, जो कि जाहिर है किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। अर्जुन जी, मैं एक सिख कौम से हूं और मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, और मैंने कभी हमारे आसपास खालिस्तान का इशू नहीं सुना। ये है अमेरिका कनाडा में ही है। अच्छा। हम बहुत खुशी से रह रहे हैं, हम अपना चौड़े होके रह रहे हैं, हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया है, और मोदी जी तो सिखों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, करतारपुर में भी उनका इनिशिएटिव था, और बाकी भी स्टेट्स बाकी भी सिखों के लिए वो करते हैं, वो गुरुद्वारे कितना जाते हैं, या वो कौम के लिए करते हैं, ब्रिजेस बनवाते हैं, करते हैं। पर अब ये बात है कि कुछ लोग हैं जो पुराने हैं, जो कि खफा हैं, क्योंकि पहले जो हिंदुस्तान में कुछ गलतियां कांग्रेस पार्टी ने की, अभी उसी का मलबा है, जैसे आप लोग अक्सर मलबा शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसी का मलबा है, जब साफ कर रहे हैं वो साफ हो जाएगा। बट इंडिया में ये इश्यू नहीं है, ये इश्यू इंडिया के बाहर है और वो बाहर लोग उठाते हैं। और मैंने जब पीछे कनाडा में भी जाकर इस इश्यू को स्टडी किया तो आधे से ज्यादा उठाने वाले वो लोग हैं जो इंडिया आए नहीं है कभी, वो उन्होंने अपने माँ बाप से बातें सुनी, जैसे इंडिया पाकिस्तान में लोगों ने कहानियां सुनी थी पार्टीशन की, तो उन्होंने ऐसे ही नफरत पालनी शुरू कर दी थी, वो तो चलो अब सोशल मीडिया आया। तो बहुत से लोग हैं जहां देखो जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उनका तो जन्म भी इतना पुराना नहीं है, पर वो इसलिए कि उनको बाहर की ताकतें इस्तेमाल करती हैं और वो फिर वहां के इलेक्शन पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं, क्योंकि सिख एक बड़ी अमीर कौम है, और फिर वो पॉलिटिशियंस उनकी तूती बजाते हैं पार्लियामेंट में जाके। तो ये इंडिया में मसला नहीं है बिल्कुल भी, ये मसला सिर्फ हिंदुस्तान से बाहर ही है, और जबकि 80-95% तो सिख हिंदुस्तान में ही रहता है, तो हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट मैंने अपने आसपास कभी किसी डिस्कशन में नहीं सुना है कि हमें फलाना है, हम तो स्टेट का नाम भी नहीं लेते, हम तो मौज ले रहे हैं जिंदगी की, इतनी इकोनॉमी है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी इंडस्ट्री है, हर जगह बूम आ रहा है इस कंट्री में। इनफैक्ट दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी बॉर्न इन इंडिया, 8% ग्रोथ कहाँ है, तो हमें तो इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बट बाहर के लोग हैं वो टीवी पे हल्ला करते हैं, बस उसको नहीं रोक सकते हम, ठीक है थोड़ा नजर नहीं लगती, ऐसे लोग चाहिए हम। लेकिन सर लास्ट में यही पूछूंगी, आपकी अपोजिशन इतनी नाराज क्यों रहती है, आपकी चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टीज हो, वो आपकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उससे इतना ज्यादा नाराजगी किस बात की, अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है? शायद इसलिए नाराज है क्योंकि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है। और वो अपोजिशन ही क्या, वो अपोजिशन ही क्या जो अपोज ना करे, क्योंकि अगर मैंने अपोज नहीं किया तब तो मेरी शख्सियत ही खत्म है ना। तो अपोजिशन का काम तो है अपोज करना। एक बार हमारे लालू जी से पूछा गया था कि आप फैमिली प्लानिंग की बात करते हो और आपके 8 बच्चे हैं 9 बच्चे हैं तो ये कहां से क्यों है, ये कहते अरे तब हम अपोजिशन में थे ना, तो ये अपोजिशन में ही, तो उनका काम ही अपोज करना है। लेकिन सर अपोजिशन का काम खैर ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ मिल के जो है वो कंट्री के लिए कुछ करें, ना कि सिर्फ उनके अगेंस्ट ही चलते रहे। दिस इज व्हाट आई, तो मिलके आरजू जी मिलके कर तो रहे हैं। आप देखो जो भी आज हरियाणा के एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें, और जो महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर में, वहां तो अपोजिशन का ही लग रहा है। एटलीस्ट मैं ये खुश हूँ कि हमने आपकी तरह अपोजिशन को जेल में तो नहीं डाला हुआ ना, हमारे अपोजिशन कर रही है, ठीक है। अभी ये 2-3 टर्म जीते हुई मोदी की, उससे पहले अपोजिशन ही पार में रही है, 40-50 साल तो कांग्रेस ही रही है।
सर वो क्या नाम है उनका, केजरीवाल सर थे ना सर वो जेल में, ऐसी क्या बात है? आप लोगों ने भी अपोजिशन को जेल में डाला है, सिर्फ हमने थोड़ी डाला है। मैं ना उस पार्टी का पहला कैंडिडेट था चांदनी चौक की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उसके लिए हम अलग प्रोग्राम करेंगे। वो भी कमाल आदमी है वैसे, वो भी एक डेफिनेटली रिसर्च का सब्जेक्ट है। वो भी वो मतलब उनमें भी प्यास की तरह इतनी परते हैं कि वो कभी फिर बैठ के बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक एपिसोड चाहिए। बिल्कुल सर, और उसको हमने जरूर। अपोजिशन में उनको नहीं डाला, उनको कोर्ट्स ने डाला है। मैं आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि वो हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील हायर करते हैं, और उनको हमने नहीं कोर्ट्स ने डाला है। तो तो सर हम आप इमरान खान को भी कोर्ट्स ने डाला है, उनको भी कोई पीएमएल ने या गवर्नमेंट ने नहीं डाला, उनको भी कोर्ट्स ने डाला, उनके ऊपर भी केसेस ही हैं सर। वो गवर्नमेंट ने ऐसे उठा के नहीं उनको अंदर बंद कर दिया, तो ये चीज तो सर लानी पड़ती है ना, कोई केसेस तो बनाने ही पड़ते हैं, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे कैसे बंद हो जाएंगे। जिस तरह आपके जजेस का फेवरेटिज्म रही और वो फोन कॉल चलती रहती हैं जो जनरलों की बीवियां करती थी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ कोर्ट अभी भी बड़े इंडिपेंडेंट हैं। और आप देख लीजिए जी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर ही हैं, वो अंदर रहे हैं 2 महीने, तो बाहर ही है, नेशनल पार्टी के उनके पास स्टेटस है। रिजाइन भी तो कर दिया उन्होंने, बाहर आते ही रिजाइन कर दिया बेचारों ने। क्योंकि अच्छा सुप्रीम खासा कोर्ट क्योंकि कोर्ट ने कहा क्योंकि पिछली बार उनको कोर्ट ने कहा कि जो आपके एंटीसेंस रहे हैं, जिस हिसाब से आप कर रहे हैं, तो हम आपको बेल दे रहे हैं, पर आप फिलहाल सीएम हाउस ना जाएं, क्योंकि आपका मैटर अभी सब जुडिस है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन खैर सर, हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज में अमन रहे और अच्छी चलती रहे, चाहे पोजीशन के साथ काम करें या ना करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, और आई एक होप एक कि जल्दी। सजेशन देना चाहूंगा मैं जी कि मेरी मेरी जो ओपिनियन है कि अगर पाकिस्तान को, कहते हैं ना अंग्रेजी में, दिस इज बियॉन्ड माय पे ग्रेड एंड पे स्केल, कि देखो, अब जो आपने इस्लाम का चूर्ण बना दिया वो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आप सारी उम्र कहते रहोगे कि चाचू अच्छे नहीं है, चाचू अच्छे नहीं है, चाचू अच्छे नहीं है, फिर आप एक दिन पलट के तो नहीं कह सकते कि चाचू अच्छे हैं, घर में औलाद दिखेगी। तो जैसे आपने हिंदुस्तान को एक एनिमी बिल्ड कर दिया आर्मी ने, अब वो तो पलट नहीं सकते। तो उसका जो मैं समझता हूं कि एक ऑल्टरनेट तरीका यह है कि व्यापार मत बंद कीजिए, क्योंकि जहां व्यापार होगा जहां खुशहाली होगी। अब देखो, चाइना का भी ताइवान के साथ है, लेकिन व्यापार चल रहा है। हमारा चाइना के साथ डिफरेंट ओपिनियन है, व्यापार चल रहा है। अमेरिका के चाइना से विचार नहीं मिलते, व्यापार चल रहा है। तो जहां पे व्यापार चलेगा, जहां पे खुशहाली आएगी, जहां पे नोट आएंगे, वहां फिर समाज बहुत जल्दी से आगे बढ़ता है, और अपने आप आपकी जो फाइनेटिज्म है वो धीरे धीरे करके नीचे आएगी। ये मेरे 2 सेंट्स हैं आरजू जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, और हमसे बहुत गलती हुई थी कि इमरान खान के टाइम पे हम लोगों ने ट्रेड बंद की थी, और अब हम दोबारा उसको करना चाह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि आपकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आ रहा, खुद लेकिन ही होप खुद ही खुद ही आ सवेरे जाएगा। खोला था, खुद ही शाम को बंद कर दिया। मतलब वो तो मजेदार काम था बड़ा, वो तो। सर क्या कहें, हमारे पॉलिटिशियंस कुछ ऐसा ही है, लेकिन आई होप कि जल्दी कुछ बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इंशाल्लाह किया, और बिल्कुल, और इंशाल्लाह। सर जल्दी आपसे फिर मुलाकात भी होगी, बहुत सी बातें जो आपसे करनी है। बहुत सत शुक्रिया, श्री अकाल, थैंक सत यू, श्री अकाल, श्री सत अकाल, श्री सत श्री अकाल, अकाल। थैंक यू सर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आरजू काजमी जी और लाली सिंह साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।